कोई भी ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी और टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाए वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ऑनलाइन धमकी दे रहा है, किसी ने आपके फोटोज पब्लिश कर दिए हैं, आपके नाम से फेक प्रोफाइल बनाया हुआ है, या आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपके बैंक से पैसे उड़ा दिए हैं, या आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्लोन करके उससे पैसे निकाल लिए हैं, या जॉब के नाम पर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो इन सभी की रिपोर्ट आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए आपको cybercrime.gov.in पर आना होगा। अगर आपके साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ है और आपको इमीडिएट रिपोर्टिंग करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि साइबर क्राइम कैसे कैसे हो सकता है। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे। इनको आप हिंदी या इंग्लिश में सुन सकते हैं। सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर, आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ। मैडम, आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रुपए। इन ऑडियो फाइल्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पब्लिक को जागरूक करने के लिए इनको शेयर भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर किसी महिला या बच्चे के साथ कोई क्राइम हुआ है और आपको उसकी रिपोर्ट करनी है अपना नाम बताए बिना, तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी और साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए आप रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करेंगे। जो भी आप कंप्लेंट करेंगे वो सही होनी चाहिए। अगर वो गलत पाई जाती है तो इसके लिए आप लायबल होंगे। आई एक्सेप्ट। अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना स्टेट चूज करेंगे। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको ये डिटेल्स फिल कर देनी है, जैसे कि आप टाइटल चूज कर लेंगे, अपना नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपने फादर या मदर का नेम डालेंगे, नीचे यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। प्रोफाइल आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले आपको इंसिडेंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी कि आपके साथ हुआ क्या है। इसमें आप कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट चूज कर लेंगे, किस टाइप की आपको कंप्लेंट करनी है। जैसे कि अगर ऑनलाइन और सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। आपके साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है वो जिस कैटेगरी में आता है आप वो यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको सब कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेनी है। जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन जॉब फ्रॉड है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। इंसिडेंट की डेट और टाइमिंग आप यहाँ पर डालेंगे कि आपके साथ ये क्राइम किस डेट को हुआ है। अगर आप रिपोर्ट देरी से कर रहे हैं तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पर एक रीजन देंगे कि आप देरी से रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और अगर आप टाइम पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसको आप नो करेंगे। ये इंसिडेंट आपके साथ कहाँ पर हुआ है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, या किसी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ईमेल पर, या किसी और जगह, वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जिस माध्यम से भी ये क्राइम हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। जैसे कि अगर आपको किसी ने धमकी भरा ईमेल भेजा है तो आप वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे जिससे आपको धमकी भेजी गई है। साथ ही आप उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास एविडेंसेस है, जैसे कि कोई फोटो, ऑडियो या वीडियो फाइल, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आप और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इंसिडेंट की डिटेल्स फिल कर देनी है कि आपके साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ है, वो आप यहाँ डिटेल्स में लिखेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सस्पेक्ट की डिटेल्स फिल करनी होगी, यानी जिस पर आपको शक है या जिसने आपके साथ ये क्राइम किया है तो उसकी जो भी जानकारी आपके पास है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि अगर आपको उसका नेम पता है तो नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद कोई एक आईडी चूज करेंगे, जैसे कि आपको उसका बैंक अकाउंट नंबर पता है, ड्राइविंग लाइसेंस पता है, ईमेल पता है, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जो भी आपको पता है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको उसका ईमेल पता है तो आप ईमेल सिलेक्ट करेंगे और यहां पर उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये
ऐड हो जाएगा। अगर सस्पेक्ट एक से ज्यादा है तो आप दूसरे सस्पेक्ट का नेम यहाँ पर डालेंगे, उसकी आपको एक आईडी चूज करेंगे, आईडी नंबर डालेंगे और ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सस्पेक्ट का कोई फोटो है तो आप फोटो यहाँ पर चूज करेंगे और अपलोड कर देंगे। अगर आपको सस्पेक्ट का एड्रेस भी पता है तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पर उसका एड्रेस फिल कर देंगे, लेकिन अगर एड्रेस नहीं पता है तो नो करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको विक्टिम की डिटेल्स फिल करनी होगी, इसमें आप विक्टिम का कोई आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे। नीचे आपको विक्टिम का एड्रेस डाल देना है। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू, आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी। आप सही तरीके से चेक करेंगे, अगर सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप एग्री करेंगे और कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और साथ ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, ये आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाता है। नीचे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी रिपोर्ट यहाँ डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद आपके एड्रेस पर जो भी पुलिस स्टेशन लगता है उस पुलिस स्टेशन में आपकी रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा, जहाँ एक ऑफिसर आपके साथ जो क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। उसका नेम और मोबाइल नंबर भी आपको SMS कर दिया जाता है। किसी भी टाइम अपनी रिपोर्ट का स्टेटस चेक करने के लिए आप इसी पोर्टल पर आएंगे, ट्रैक यूर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके पास OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहां डालकर सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपकी कंप्लेंट का स्टेटस आ जाएगा। सो अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो इस तरह से आप ऑनलाइन साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।